हमारा आज का बेसिकली जो टॉपिक है ना सर, वो है ग्रीफ या लॉस के हवाले से। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है एंड इस पे बात होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में ना सर, हमने सेहत या आपके फेसबुक पेज पर क्वेश्चंस भी पूछे थी और जिसके आंसर्स आज हम डॉक्टर साहब आपसे लेंगे। और जब अब बात के लिए मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे साथ ज्वाइन रहें। और अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ भी सवालों पर जाने से पहले या कुछ भी करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि ज़रा इस ग्रीफ या लॉस के जो टॉपिक है इसको एक्सप्लेन कर दें कि मतलब ग्रीफ क्या होता क्या है और इसके नॉर्मल और सिवियर सिम्टम्स क्या हैं और कितने अरसे रहता है, मतलब इसका टेन्योर। और उसके बाद हम ऑडियंस की तरफ, फिर उनके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले ज़रा कुछ एक जनरल आइडिया हो जाए ताकि लोग समझ सकें इस चीज़ को। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और ग्रीफ एंड लॉस अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ग्रीफ कहा जाता है द लॉस ऑफ लव वन, मतलब जिससे आप हद से ज्यादा मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो और उसकी लॉस हो जाए, आपके लाइफ से वो बंदा गायब हो जाए, खत्म हो जाए। दिस इज कॉल्ड ग्रीफ। इसके अलावा जो ग्रीफ के फिर फर्दर स्टेजेस होते हैं, जब ग्रीफ स्टार्ट हो जाता है, मतलब आसान अल्फाज में, अगर उर्दू के अल्फाज में मैं समझू तो इसको गम कहा जाता है। मतलब गम, हम सारे इससे अवेयर हैं कि गम का समा क्या होता है, गम जब शुरू हो जाता है तो क्या होता है। फिर फर्दर इसके स्टेजेस होते हैं। तो गम और खुशी, ये दोनों अपोजिट हैं। इंसान कभी हमेशा खुश नहीं रह सकता, ना हमेशा गम में रह सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल लेकर जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी तरह से जो ग्रीफ के स्टेजेस है ना, वो फिर फर्दर इंसान को साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ लेकर जा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा खुशियां भी इंसान को साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ ले जाते हैं, इसी तरह से जो गम की कंडीशंस है ग्रीफ पे, वो भी आपको उस साइड पे ले जा सकते हैं। तो फर्दर जो इनके कंसिक्वेंसेस है वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो सेहतियाब वालों ने, और मैंने खुद भी इस टॉपिक में इसलिए इंटरेस्ट ली कि वाकई ये टॉपिक आजकल की जो सिस्टम चल रहा है, जो कंडीशन चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे बात करनी चाहिए। जी करते हैं। पहला सवाल हमसे किया जा रहा है सर कि डॉक्टर साहब, क्या गम की वजह से हमारे जहन पर कोई असर पड़ता है? जी इसका सर, अगर मैं इस वक्त एक पॉजिटिव जवाब दे दूं तो मैं कहूं नो, तो सारे लोग कहेंगे ये साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एज अ सोशल, अगर एक सोसाइटी में रहते हुए मैं जवाब दे दूं तो बिल्कुल हो सकता है। हमारी जहनी सेहत पे इसका बिल्कुल असर होता है, और वो असर इस लेवल पे जा सकता है कि हम क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। मतलब हमें फिर साइकोलॉजिकल मेडिसिन की तरफ भी जाना पड़ सकता है कि हम साइकोलॉजिकल मेडिसिन ले लें इस ग्रीप की वजह से। तो अगर मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट रिस्पॉन्स करूं, एज अ मतलब जो जो मैंने इस चीजों को पढ़ा हुआ है, तो मैं कहता हूं शायद नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कोपिंग स्ट्रेटेजीज इतनी स्ट्रांग है तो शायद आप पे ग्रीप असर इतना ना कर सके, लेकिन अगर वो वीक है तो फिर आप पे असर कर सकता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच सर। सर हाँ, यस, हमारे पास सेकंड सवाल आ गया है। हमसे सर आपसे सवाल किया जा रहा है कि डॉक्टर साहब बताइए कि गम की हालत में क्या करें, यानी इससे निकलने के लिए सबसे बेहतर तरीका कार क्या होगा? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि गम से निकलना, मतलब उस बंदे ने गम एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ आई एम इन ग्रीफ स्टेज, और उस ग्रीफ के स्टेज से कैसे निकलवाया जा रहा है खुद को, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट करवाया, मतलब वो कोपिंग के लेवल पे आ गया है। तो सबसे पहले अगर आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ मैं एक ग्रीफ स्टेज में हूँ, मैं आप लोगों को फिर भी एक और चीज क्लियर कर रहा हूँ, जो ग्रीप की स्टेजेस होती है वो 3 to 6 month होता है। 3 से लेके 6 month के दरमियान आपका जो पीरियड होगा वो ग्रीप होगा। अगर वो इससे ज्यादा हो रहा है तो इट मीन दैट यू आर इन डिप्रेशन नाउ।
तो अगर ग्रीफ के स्टेजेस को समझा जाए कि ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है टुवर्ड द लॉस, ओके, सो फिर आई डोंट नो कि मतलब कोई कहे कि मुझे कोपिंग नहीं आता, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खुद ठीक हो जाता है, लेकिन इसी दौरान अगर वो साइकोलॉजिकल हेल्प ले लो, ये ना हो कि मैं जाऊं किसी आलिम के पास, मैं जाऊं मतलब इररिलेवेंट बंदों के पास चला जाऊं, मतलब ये जो है ना ये इनका हल नहीं है, वो उल्टा आप देखो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ग्रीप का पेशेंट आ जाए, ग्रीप का कोई बंदा आ जाए, तो आप सिंपथी ना करें, आप उनके साथ एम्पथी करें, और आप लोग डिफरेंस मालूम कर सकते हो सिंपथी और एम्पथी के दरमियान। जो सिंपथी होती है वो हमदर्दी होती है, और जो एम्पथी होती है उसकी फीलिंग को महसूस करना होता है, तो आप महसूस करें, आप उनका उसमें वो ना करें कि मतलब नहीं नहीं बिल्कुल ये जो ज्यादती है, मतलब उनको और ज्यादा वो ना करें। तो सबसे पहले अगर आपको ग्रीफ के साथ आगे बढ़ना है तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, सेकेंड थिंग आपको एक्सेप्टेंस क्रिएट करना चाहिए, फोर्थ थिंग आपके अंदर उस ग्रीफ के साथ बार्गेनिंग करना चाहिए, और चौथा थिंग उसमें जो है जो आपका गुस्सा है उस वक्त आर्जी तौर पर जो गुस्सा है उसको आपने कंट्रोल करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ग्रीफ की इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होती जाएगी, वो मैक्सिमम नहीं होगी, और जब ग्रीफ की इंटेंसिटी मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आप क्लिनिकली डिप्रेशन की तरफ जाओगे, लेकिन अगर ये मिनिमाइजेशन की तरफ आते हैं तो फिर शायद आपको फिर प्रॉब्लम ना हो फर्दर। डॉक्टर साहब आपसे सवाल किया जा रहा है कि ब्रेकअप या डिवोर्स के बाद डॉक्टर साहब कैसे मूव ऑन करें? ओके, ब्रेकअप और डिवोर्स, ठीक है, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, हमारी सोसाइटी भी कहती है कि रिश्ते आसमानों पे बनती है, ओके, या जो भी आपके रिलेशनशिप है, इंटीमेट रिलेशनशिप या जो आपके मैरिटल रिलेशनशिप है, वो सारे हम कहते आसमानों पे बनते, मतलब इट्स अननेचुरल थिंग, वी डोंट हैव एनी राइट टू चेंज इट। अगर किस्मत किसी का कहाँ पे है किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए, वो हम कह रहे हैं कि वो नेचुरल है, ठीक है। अब अगर इस नेचुरल थिंग्स की वजह से जो एक रिलेशनशिप है जो नेचुरल है उसकी वजह से अगर आप मतलब इमोशनली डिस्टर्बेंस फील करना शुरू करें तो उससे मूव ऑफ के मतलब इन द टर्म ऑफ डिवोर्स एंड ब्रेकअप अगर हम बात करें, क्योंकि वो नेचुरल चीज की डिवाइडेशन को आजकल हम कह सकते हैं डिवोर्स एंड ब्रेकअप, ठीक है। अब उससे मूव ऑन कैसे करनी है उसको छोड़ के, तो अगेन वही बात कि सबसे पहले एक्सेप्ट कराएं कि ये नेचुरल है, हमारे यहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं कराते। मैं अगेन यहाँ पे एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि शायद बहुत से लोग मुझसे अपोज करें, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी को मतलब ये बात बता सकूँ। अगर एक आदमी है, अगर उसको अकॉर्डिंग टू माई सोसाइटी 4 शादियों की इजाज़त है, एक नेचुरल सेटअप है, एक नेचुरल स्टाइल है, कर ले तो कर ले, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे उस बंदे को उसका जो नेचुरल एक मतलब एक राइट है अगर उससे आप मना कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। मैं हमेशा पेशेंट को यही बोलता हूँ कि हाँ बिल्कुल करें, कोई वो नहीं है, लेकिन आप डिवोर्स की तरफ ना जाएं। ज्यादातर आपने अक्सर देखा होगा कि जब मर्द जाके दूसरी शादी की तरफ जाते हैं तो खवातीन डिवोर्स का वो कर लेते हैं। अब अगर उस टाइम इस इमोशनल फैसले में वो इसको एक्सेप्ट करवाए डिवोर्स को, तो एट द एंड वो ग्रीप में होगी, ठीक है। तो रीजन यही है कि आपने मूव ऑन करनी है, आपने आगे बढ़ना है, आपने स्टक नहीं होना। हाँ, किसी का हस्बैंड मर जाए, वफात हो जाए, चला जाए इस दुनिया से, तो आपने लाइफ स्टॉप नहीं करनी उधर, क्योंकि आपको तो जिंदा रहना है ना, आपने तो आगे बढ़ना है। और अब सारे लोग यही बात कहेंगे कि मतलब ये तो मतलब बोलने वाली बात है, पर मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो आफ्टर ग्रीफ वो बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे और बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी रोकी नहीं है। तो हमारा मेन अलमिया ये है कि हम रोकते हैं जिंदगी को, जिंदगी को रोकना नहीं चाहिए। जितना आप जिंदगी को रोकेंगे, एक दिन आपके साथ कोई हमदर्दी करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, लेकिन आजकल अगर आप देखें सोसाइटी में तो हमदर्दी भी इंसान की एक्सपेक्टेशन की वजह से की जाती है। अगर कोई बंदा
मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बात वाले बोलता हूँ, अगर कोई बंदा आपको फ्री में मशवरा दे रहा है तो आप थिंक अबाउट इट, वो आपको मशवरा नहीं दे रहा, वो आपके साथ हमदर्दी कर रहा है और हमदर्दी के बेग पे उसके एक्सपेक्टेशन है आपसे। जो रियल बंदा होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, वो आपके साथ प्रोफेशनल बात करेगा, वो आपको प्रोफेशनली डील करेगा। तो हमेशा हमारे जो मसले मसाइले वो इस वजह से हैं कि हमारी जो जैसे अगर हम ग्रीप की बात करें तो ग्रीप में और डिप्रेशन में एक सिमिलरिटी है और वो ये है कि इमोशनल जो पेन है ना वो एक है, दोनों में इमोशनल पेन होता है। ठीक है, अब अगर ग्रीप वाले को इमोशनल पेन का मतलब वो मिल जाए, कोई बंदा मिल जाए उस वक्त उसके साथ हमदर्दी करे तो शायद उसको ये लगे कि हाँ मतलब वो नहीं तो ये, तो वो अगेन एक गलत डायरेक्शन में चला गया। अगर वो खुद से इस चीज को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करे, प्रोफेशनल से हेल्प ले ले, तो शायद मैं कह रहा हूँ कि फिर उसको फर्दर फ्यूचर में मसले मसाइल ना हो। आपसे किया जा रहा है सवाल कि डॉक्टर साहब, माहिर नफ्सियात या थेरेपी गम में कैसे मदद कर सकते हैं? जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि बहुत से लोगों को अभी तक मतलब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि माहिर नफ्सियात कौन होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट कौन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं, मतलब ये सारे तकरीबन एक ही है, ये सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, तो अगर आप ग्रीप के टाइम में कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो साइकाइट्रिस्ट है, चाहे वो साइकोथेरेपिस्ट है, किसी को भी आप अप्रोच करें तो एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल बनते हैं तो हमसे बाकायदा एथिकल बहुत सी चीज़ें कराई जाती है, हमारी एथिक्स की बाकायदा एक बुक दी जाती है कि मतलब अगर आप लोग अपने पेशेंट के साथ ज्यादती करेंगे तो इसके लिए ये नुकसान है। ठीक है, वक्ती तौर पर तो आपको नहीं लगेंगे लेकिन एट द एंड आपको गिल्ट होगा अपने आप पे। तो कोशिश करें कि ऐसे ही बंदे से कांटेक्ट करें और वही बंदा आपको सही रास्ता दे सकता है। अगर एक प्रोफेशनल इंसान, क्योंकि हमेशा जो भी प्रोफेशनल बंदा होता है वो बड़ा कमिटेड होता है अपने प्रोफेशन के साथ, तो जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना अगर वो आपकी हेल्प ना कर सके, मैं यहाँ पे बैठ के मैंने बहुत से लोगों को, हालांकि मेरे पास लोग आ जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस का, या मेरे पास आ जाते हैं के लंग्स के हिसाब से, मुझे कल रात एक बंदे ने अपना टेस्ट भेजा मतलब MRI का, तो मैं उनको बता रहा था कि ये मेरा एरिया आप इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ। हाँ, मैं आपको वक्ती तौर पर ये बता सकता हूँ और ये कंसर्न पर्सन है, आप इसको अप्रोच करें। ठीक है, तो मतलब ये है कि कोई भी बंदा अगर प्रोफेशनल हो मेंटल हेल्थ, तो वो आपका इसका अपने हिसाब से अपने तरीक़ेकार से इसमें आपके लिए मतलब यूजफुल या हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि एक माहिर नफ्सियात आपको साइकोथेरेप्यूटिक सेशंस दे सकते हैं, वो आपकी जो थॉट पैटर्न है, इरेशनल जो थॉट्स बने होते हैं उसको रेशनल थॉट्स की तरफ लेकर आ सकते हैं, जो आपके इरेशनल बिलीव्स बने होते हैं वो आपका रियलाइजेशन की तरफ ले आते हैं। इसी तरह से साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो इसमें आपकी मेडिकेशन के हिसाब से, जैसे बाज़ औक़ात 6-6 महीने, 7-7 महीने, साल गुजर जाता है, लोग ग्रीप में पड़े होते हैं, तो फिर साइकाइट्रिस्ट जाके आपको एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, आपको दोबारा से कड़ा करने की कोशिश करते हैं, फिर वही साइकाइट्रिस्ट आपको बताया जाता है, वो मतलब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बोलते हैं कि अब आप साइकोथेरेप्यूटिक सेशन ले लें ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो दोबारा रीअपटेक हो जाए और आप दोबारा अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। इसी वजह से मुख्तलिफ साइकोथेरेपीज के सेशन होते हैं और साइकोथेरेपीज है जिसमें CBT, REBT और इसके अलावा CCT, ये सारे मुख्तलिफ साइकोथेरेपी सेशंस है। इसी तरह से मेडिकेशन में भी मतलब हेल्पफुल है चीज़ें। और डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रीफ या लॉस के मौके पर बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए? ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो खवातीन या मर्द डाइवोर्स में होते हैं और कोर्टों के केसेस होते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, बच्चे भी साथ ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल एक कि हर एक इंसान इमोशनली डिसकनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, और एक तो ये है कि चलो एक बंदा बंदे या बंदी की डेथ हो जाए ना, वो तो एक एक थोड़ी बहुत हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है कि हाँ नाउ वो हमारे दरमियान नहीं रहा। लेकिन अब जब जैसे ये दोनों आपस में कोर्ट्स में जाते हैं तो इससे बच्चों को
जो साइकोलॉजी है वो बहुत डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि असल में आप उस बच्चे को एक रास्ता दिखा रहे हैं अफेक्शन नीड का अगेन, कि मतलब आपका जो बाबा था या जो आपकी अम्मी थी वो अब हमारे साथ नहीं रही, वो हमसे अलग हो गए, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली विक्टिम हो जाता है उसी टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर मियां बीवी के दरमियान या कोई भी रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चों के हवाले से क्वेश्चन आ गई ना, ज्यादातर मियां बीवी ऐसे होते हैं, तो अगर मियां बीवी के दरमियान ऐसे कोई भी इंकशाफात या इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश इन द एब्सेंस ऑफ चाइल्ड करें। ठीक है, तो आपका जो बच्चा होगा वो ग्रीप के स्टेज से, क्योंकि बड़े तो फिर भी जाके अप्रोच कर लेते हैं ना किसी को अपने फीलिंग शेयर करने का, बच्चा नहीं कर सकता। अगर बच्चा जाके अपने फीलिंग के शेयरिंग करता है तो वो सोसाइटी में स्टिग्माटाइज हो जाता है, सोसाइटी में उसको वो मुकाम वो मायार नहीं मिलता जो एक आम बच्चे को फिर मिलते, लोग मुख्तलिफ किस्म के नेगेटिव कमेंट्स देना शुरू करते, तो वो बच्चा अगर इन नेगेटिव कमेंट्स के साथ बढ़ना शुरू करे, अपने लाइफ को चलाना शुरू करे, तो वो बच्चा या तो बिल्कुल किसी को रिस्पॉन्ड बैक नहीं करेगा, या अगर करेगा तो उसका जो इफेक्ट होगा ना वो बड़ा नुकसानी होगा, यू नो, कि फिर वो मतलब वो गलत लोगों के हाथों चला जाए, वहां से उसकी अलग टाइप की पर्सनैलिटी, वो एक मैं यहाँ पे एक वीडियो देख रहा था, एक पुलिस वाला कह रहा था कि आप लोग अपने बच्चों को खुद समझाएं, अगर मैं एज अ पुलिस वाले आपका बच्चा अंडर एज ड्राइविंग में ले जाऊं तो मैं उसको जेल में ले जाता हूँ, लॉकअप में लगता हूँ, तो आपको पता है कि जेल में कौन होते हैं, वहां पे सौ सौ मर्डर करने वाले भी बैठे होते हैं, तो पता नहीं वो आपके बच्चे को, अगर आपका बच्चा एक हफ्ता में जेल में रखूं तो वो जब निकलेगा ना तो वो आपका बच्चा नहीं होगा, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होगा। मतलब बच्चा तो अगर हम देखें ना तो बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है चीजों को, तो लिहाजा बेस्ट वे ये है कि पेरेंट्स के दरमियान कोई भी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, कोशिश करें कि अपने इश्यूज सेपरेशन, मतलब जो एक सेपरेट लेवल है उसमें जाके है एक दूसरे के साथ, मतलब डिस्कस करें, इश्यूज रिजॉल्व करें, अदरवाइज बच्चों के सामने वो बाज लोग कहते हैं ना कि अगर मैं बर्बाद हूँ तो बच्चे सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो ये कमेंट्स देना एक बच्चे को, आप ये मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। बच्चे बच्चे होते, कल यही बच्चे बड़े होकर सोसाइटी बना रहे हैं, तो आपने अक्सर बड़े बड़े ये मतलब जो हम कहते हैं आम उर्दू जुबान में उजरती, और ये लोग वो अक्सर जब शुरू करते हैं तो वो आपको एक एक उनका एक जुमला होता है, जैसे अगर हम शाहरुख की फिल्मों की बात करें तो उसने एक लफ्ज बोले थे कि माजी कहते कि धंधा धंधा होता है चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तो ये क्या है, ये वो सारी चीजें हैं जो मतलब यू नो कि उसके वो आ जाते हैं असरात आ जाते हैं बच्चों पे, तो लिहाजा बेस्ट वे ये है कि आप बच्चों को इन्वॉल्व ना करें अपने ग्रीप के टाइम पीरियड में, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका इफेक्ट उस बच्चे पे आएगा, और जब बच्चे पे इफेक्ट आएगा तो वो आप तो मैच्योर है ना, लेकिन वो बच्चा उसी को अपने इमैच्योरिटी में लेके ना एक डिफरेंट शेप दे रहा है उस चीज को, तो देन यू विल फेस द कंसीक्वेंसेस। डॉक्टर साहब ये बताइए कि गम और डिप्रेशन में क्या फर्क है? सिंपल, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इन दोनों में सिर्फ एक ही सिम्टम है जो वो मिक्स मतलब दोनों में है, वो है इमोशनल पेन, वो डिप्रेशन में भी होता है, वो इसमें भी होता है। अगेन ग्रीप जो है ये नेचुरल होता है, ये मतलब हम कह सकते हैं, अब आप मुझे जैसे अगर हम अभी बात करें तो आजकल टेक्निकल दौर है, टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे मुझे एक बंदे ने कहा था कि हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब है तो अब जो है ना शार्क मछली भी हमारे इंटरनेट कनेक्शन काट के जा रही, तो मतलब एक मीम बनते जा रहे हैं ना इन चीज़ों पे, तो मतलब ये नेचुरल है, तो नेचुरल चीज़ों को रिस्पॉन्स करना नेचुरली होगा, लेकिन अगर वो नेचुरल चीज़ों को रिस्पॉन्स आप एट वन टाइम और सही तरीके से ना दे तो वो सिवियरिटी की तरफ जाता है, जिसे कॉल डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की जो क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 6 मंथ, कम अज कम आपको 6 मंथ में सिम्टम हो जिसमें आप आइसोलेशन चाहते हो, जिसमें आपकी सैडनेस हो, जिसमें आप चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाह रहे, आप एफिलिएशन नहीं करना चाह रहे, आप किसी से शेयरिंग नहीं करना चाह, मतलब ये सारे फिर सिम्टम, लेकिन ये सारे सिम्टम उसके भी है, ग्रीप के भी है, लेकिन ग्रीप के विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सिम्टम खत्म हो जाते हैं, दिस इज द मेन डिफरेंस एंड सिमिलरिटी इसके अंदर जो इमोशनल पेन है ना वो दोनों में सिमिलर होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि फाइनेंशियल लॉस को कैसे एक्सेप्ट करें? फाइनेंशियल लॉस जो आजकल तकरीबन
कोई भी बंदा कारोबार करने की तरफ जाता है तो सबसे पहले लॉस के बारे में सोचता है कि लॉस होगा तो क्या करूंगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल लॉस, अगेन वही बात है कि हर चीज के काज एंड इफेक्ट्स होते रहते हैं, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव उसकी कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। आप हमेशा, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए हैं, तो आप कोशिश करें कि मैं, अगर आप कारोबार 10 से ना शुरू करें, आप कोशिश करें कि मैं 5 से शुरू करूँ, 5 मेरे पास सेफ साइड पे हो। अगर मैं इस चीज में नुकसान कर लूँ तो शायद मैं उसको इधर जो है ना यूटिलाइज कर सकूँ फिर। तो हमारे यहाँ मसला ये होता है कि लोग फाइनेंशियल चीजों को इतना यूटिलाइज करना शुरू करते 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 कि एट द एंड उसको रास्ता नहीं मिलता। वो कहते यार मैं अब क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो फिर वो लड़ता भी है, झगड़ता भी है, वो क्राइम्स की तरफ भी जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपके पास ऐसी फाइनेंशियल चीजें हैं तो कोशिश करें कि वो बड़े मुख्तात अंदाज से, और ये सिर्फ कमेंट्स है कि कामयाबी जो है वो अनकंडीशनल होती है, आ जाती है, नहीं, आप अपना ब्रेन, अपना थिंकिंग स्टाइल यूटिलाइज करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज ऐसा कोई बंदा मैंने नहीं देखा जिसने अपनी थिंकिंग इस्तेमाल ना किया हो और वो कामयाब हो चुका हो। तो ये सिर्फ मिथ से, ये सिर्फ बातें हैं जो लोगों के सामने की जाती है। और फिर ये लोग आजकल इमोशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे होते हैं, वो इस पे प्लाना ने ये काम नहीं किया था और एडिसन ने बल्ब बनाया था, इसने ये किया था उसने, लेकिन उसकी अगर आप हिस्ट्री ओरिजिनली देखे तो वो डिफरेंट है, वो लोग एक्सेप्शनल है। उसकी पेरेंट्स की अगर आप लाइफ देखें तो वो डिफरेंट लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। आजकल हम उस तरफ जा ही नहीं रहे, आजकल हम इमोशनली इतने वीक हो चुके हैं, अपने बच्चों को इमोशनली इतना वीक बना लेते हैं कि वो कल कोई भी डिसीजन ले रहा है तो वो ले ही नहीं सकता। और जब ले रहा है, जैसे मैं मतलब बड़े करीबी बंदे की बात कर रहा हूँ, मुझे बताया कि यार मैं अपने घर वालों से इतने इतने पैसे मांग रहा हूँ और मुझे कारोबार करना है, तो मैंने कहा इसमें नुकसान किया। कहते आपने भी वही पाकिस्तानी बात की ना, नुकसान कहाँ होगा जब इतने पैसे। मैंने कहा मेरी बात सुने, इंडिया की एक शो हो रहा है, सब आप शायद उस शो का नाम है जिसमें बिजनेस आइडियाज वो लोग लेते हैं, उस शो का मतलब जो मेन एक लेवल है ना कि हमने किसको सेलेक्ट करना है, वो ये कर दे उस शो में कि अगर कोई बंदा एक आइडिया के साथ आया, उस बंदे को आप सेलेक्ट करो। अगर एक बंदा 2 आइडियाज के साथ आया, उसको ना सेलेक्ट करें। अगर एक बंदा 3 आइडियाज के साथ आया, उसको ना सेलेक्ट करें। मतलब फोकस्ड, अगर आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है तो आप दोबारा ग्रो अप करें, आप दोबारा मतलब जो 5 लाख लगाए थे 5 लाख दोबारा उठा के लगाए, हिलना नहीं है आपने। हम आप देखे पाकिस्तान में क्या करते हैं, एक प्रोफेशन में होते हैं, उसको छोड़ के दूसरे में जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाते हैं, तो हमारे लिए डोमेन डिफाइन नहीं होता। अब वो इंडिया की शो जब मैं कभी कभी देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि मतलब जो बंदे का डिटर्मिनेंट, मतलब वो डिटर्मिनेशन के साथ नहीं है, एक फोकस्ड पर्सन नहीं है एक जॉब पे, तो वो बंदा कभी अच्छा कारोबारी नहीं बन सकता, वो कभी अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता। तो लिहाजा अपने फाइनेंशियल मैटर्स को विदाउट एनी सोच समझ के लगाना, ये तो एक बेवकूफी वाली बात है। लेकिन अगर लॉस हो जाए तो लॉस के बाद रिलैप्स या उसको दोबारा आपने अपलिफ्ट कराने के लिए आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप दोबारा उधर से शुरू करें, ना कि आप अपना आइडिया चेंज कर सकें। वो ट्राई ट्राई अगेन वाली कहानी है कि जितना आप बार बार ट्राई करोगे एट द एंड सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। उससे सवाल किया जा रहा है कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बिछड़े हुए 5 महीने हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिन हुए हैं, हाउ कैन आई कंट्रोल माई ग्रीफ। जी सर, ये अब देखे ना, मेरे बच्चे का बिछड़े हुए 5 साल क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 दिन हो गए हैं। आप देखे इस बंदे की मेंटल लेवल, मतलब वो एक अरसे को 5 दिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो इतना डिनाइल में जा चुका है, ठीक है, वो रियलिटी से इतना डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो लिहाजा रियलिटी एक्सेप्टेंस क्रिएट करें, एक्सेप्ट कराएं कि मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ चुका है, चाहे वो इन विच टर्म्स जो भी उसके बच्चे के साथ हुआ है। लेकिन अगर आप इसी चीजों पे जा रहे हो और इसी को बार बार यही, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आज 5 महीनों में 5 दिन हो गए तो 5 सालों में आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंचेगी, आपके तो 5 महीने पूरे हुए होंगे, यू नो द प्रोपोर्शन बिटवीन द टाइम पीरियड। मतलब 5 महीनों का किस्सा 5 दिन के लिए आप, मतलब इतना आप अपने आप से
अपने रियलिटी से, और जो बंदा रियलिटी में नहीं होता, अगेन मैं कह रहा हूँ, वो कभी भी नेचुरल लॉस को रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। अगर एक बंदा कहे कि मैं दुनिया का इस वक्त अमीर तरीन आदमी हूँ, वो नेचुरली नहीं है, तो वो कभी भी उस चीज को रिस्पॉन्स बैक नहीं कर पाएगा जो सिचुएशन उसके लिए आएंगे। ठीक है, तो रियलिटी एक्सेप्टेंस क्रिएट करें। जब रियलिटी में होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा बच्चा बिछड़ गया है, मुझे मूव ऑन करनी है, मुझे आगे जाना है, मेरी अपनी लाइफ चलानी है। मेरे बच्चे पे लाइफ कंट्रोल नहीं थी, मेरे बच्चे पे लाइफ फोकस नहीं था। हाँ, एज अ पेरेंट्स मुझे उसकी हेल्प करना चाहिए था। अब देखो, हमारा इतना इमोशनल सोसाइटी है, परसों आई डोंट नो कि वो वीडियो ठीक थी या गलत थी, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि यार हम कितने प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं सिर्फ अपने कुछ ही चीजों के लिए, लोगों से फेम लेने के लिए हम क्या नहीं करते। एक बच्चे ने, एक माँ बाप के, आई थिंक भाई था, बहन था, जो भी था, एक बच्चा शायद उसको कोई जान बूझ के वीडियो बनाई है या वाकई रियली ऐसा हुआ है, एक बच्चा मतलब वो कर रहा है कि मैं मर रहा हूँ, और वो अपने अब्बा को, बहुत बड़ी ज्यादा वो वायरल हो गई थी वो वीडियो, तो वो बच्चा अपने अब्बा को बोल रहा है कि पलाने का ख्याल रखना और मैं आपसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ, उस वीडियो को भी लोगों ने शेयर किया हुआ है। तो उससे कितना इमोशनली हम डिप्राय हो रहे हैं, कितना इमोशनली हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खुद एज अ फादर यहाँ पे बैठ के, मैं बाकायदा, मुझे तो मतलब अब मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे शदीद इस पे गुस्सा आया था कि यार ये मेरी सोसाइटी है। मतलब पुराने जमाने में या जो पुराना दौर था, जो नॉर्मल था, सुकून था, सब कुछ था, कोई वीडियो ऐसा कुछ नहीं था, लोग तस्वीर बनाते भी नहीं थे मरे हुए लोगों का, लेकिन आज लोग बना रहे हैं। लोग अपना फेम लेने, अपने चैनल को आगे बढ़ाने, पता नहीं यूट्यूब और गूगल और ये कहां से कहां क्या दे रहे हैं इन लोगों को, जो ये इतने मतलब सोसाइटी के नाम्स को मतलब डिवाइड कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और उस पे जब मैं एज अ माहिर नफ्सियात, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो मेरी साइकी के साथ उस वक्त जो खेला गया है ना, तो एक आम आदमी के लिए पता नहीं क्या होगा। तो मैंने उस वीडियो को जस्ट स्किप किया, फिर उसके बाद मैं वाकई बड़ा, मैंने कहा यार ये सोसाइटी है हमारी, ये हमें सिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए साइको एजुकेट कराना लोगों को, पेरेंट्स को स्पेसिफिकली, कि वो इस चीज को एडमिट कर सके कि वी आर अंदर रॉन्ग वे, हमें गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है, हमें गलत तरीकों से लेकर जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो उनकी रियलिटी कॉन्टेक्ट से, वो दोबारा रियलिटी में आ जाएंगे। और हमसे सवाल किया जा रहा है कि डॉक्टर साहब, आई लॉस्ट माय मॉम, लाइक आई लॉस्ट माय मदर लास्ट ईयर, द लोएस्ट एंड डार्केस्ट पॉइंट इन माय लाइफ, द पेन इज रियल एंड डिफिकल्ट, हाउ टू डील विद इट। ओके, अब देखिए, अगर हम एक नेचुरल, क्योंकि ग्रीप का फिर यही एक स्टेज आ रहे हैं, अगर हम नेचुरल बात करें तो जैसे हमारे पास लोग आ जाते हैं कि एक्सेप्टेंस, ठीक है, अगर आपने अक्सर अगर किसी की मॉम वफात पा जाए, फादर हो जाए, बहन, भाई, वाइफ, तो लोग आ जाते हैं दलासा देने के लिए कि हाँ मतलब ये हो सकता है, दिस इज नेचुरल। लेकिन एक्सेप्टेंस, मेन चीज एक्सेप्टेंस है ग्रीप में। अगर ग्रीप का मसला किसी ने हल करना है तो वो खुद एक्सेप्टेंस क्रिएट करे अपने अंदर। मेरी मॉम वफात पा गई है 2013 में, तो मैं अभी तक मतलब मूव ऑन कर रहा हूँ। मैंने, ठीक है, मुझे अपने लाइफ में अपने माँ को इतना मैंने टाइम देना है, मैंने टाइम दिया हुआ है कि आई एम ओके। लोग क्या करते हैं कि वो ज्यादातर टाइम नहीं दे सकते, जस्ट बिकॉज आप बिजी स्केड्यूल्स एंड प्रायोरिटी टू सम अदर थिंग्स, तो वो बाद में उनको एक गिल्ट होता है कि काश मैं अपनी माँ को टाइम दे चुका होता। तो रियलिस्टिक गोल्स बनाए, अपने फादर मदर के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको टाइम दे दे, क्योंकि बाद में आपको गिल्ट ना हो। और यही गिल्ट असल में आपको ग्रीफ में फिर नहीं लेकर जाता, वो आपको डायरेक्ट डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमें या हमारे किसी करीबी को कोई टर्मिनल इलनेसेस लाइक कैंसर एक्सेट्रा या किसी हादसे वगैरह की वजह से इंसान डिसेबल हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें? जी, अगर एक बंदा, फॉर एग्जांपल, अगर उनको कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए, तो एट द अभी जो कोविड 19 आई थी,
तो COVID-19 में बहुत से लोग ऐसे थे जो इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, और उसने साइकोलॉजिकली और इमोशनली इतनी वीक हो चुके थे कि वो अपनी जिंदगी का जंग हार चुके हैं। तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, और मैंने खुद वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस भी दिए थे जब मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग थे कि लोग बाकायदा दूर रहते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर कोई भी क्रॉनिक उसमें आ जाए तो आप उधर उसके साथ सिंपथी के उसमें ना जाएं, उसको और ज्यादा वो ना बनाए कि हाय हाय ये तो हो गया, पता नहीं अब क्या होगा, अब ये होगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब वो खुद से एक कहानी ना बनाए, रियलिस्टिक बन जाए। कैंसर एक कैंसर के किस हद तक इलाज हो सकता है, पैरालाइज्ड एक बंदा उसके किस हद तक इलाज हो सकता है, उसकी हेल्प करे। जितना आप हेल्प करोगे ना किसी की, उतना उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो अपलिफ्ट होगी। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हेल्प, आप उसको मतलब एक नेगेटिव उसमें एक के सिंपैथी देना चाह रहे हैं, तो वो बंदा आप पे डिपेंडेंट होगा, और जितना वो डिपेंडेंट होगा आप पे उतना उसके जो मेंटल हेल्थ है वो ज्यादा डिस्टर्ब होगा। और वो अगर एक साल बाद उनको मौत आने वाली थी, वो आपने तकरीबन बड़ी जल्दी लेकर आ गए। क्योंकि वो बाज़ औक़ात अगर देखो ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर एक बंदा सिवियर बीमारी के साथ है और आप उनके साथ बजाय इसकी इलाज करने से, उनकी हेल्प करने से, आप उनके साथ नहीं यार ये तो बड़ा बुरा हो गया, मतलब एक जो सिंपथी का लेवल होता है ना वो देना चाह रहे, तो वो बंदा कभी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा वो और प्रॉब्लम में चला जाएगा। तो लिहाजा बी रियलिस्टिक, ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते, बी अगेन अगेन अगेन, नेचुरल सिस्टम, हम नेचर में ही रहते हैं और हम नेचर का ही हिस्सा हैं, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल चीजों को एक्सेप्टेंस क्रिएट करें जो हो रहा है सराउंडिंग में, तो इट्स ओके, होने दो। आप जस्ट हेल्प करें, आप उस चीज को इतना बढ़ाए नहीं कि वो बंदा वक्त से पहले उस चीज में और ज्यादा मुब्तला हो जाए। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो बी रियलिस्टिक अगेन। इस टॉपिक पर मजीद कुछ कहना चाहेंगे, वेरी ब्रीफली शॉर्टली कुछ टिप्स देना चाहेंगे, लाइक वन लाइनर्स, ताकि उनके लिए आसानी हो सके। जी जी सर बिल्कुल, तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने पूछ लिए ग्रीप के हवाले से, प्रॉब्लम्स के हवाले से। लेकिन मेरा एक एक जुमले में मैं कहूँगा कि जिंदगी में किसी बंदे ने आगे बढ़ना हो, सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप खुद को एक्सेप्ट कराएं तो प्रॉब्लम्स इजीली हल हो जाएंगे। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करा रहे तो हमेशा आप प्रॉब्लम में होंगे। किसी से सिंपैथी गेन करने की कोशिश ना करें, लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश करें।